एक ऐसा मंत्र जिसके प्रभाव से आप देव दानव यक्ष यक्षिणी गंधर्व किन्नर सर्पकुल पिशाचिनी आदि देवी देवता को अपने पास बुला सकते हैं। पहली बार ये प्रयोग ये अनुष्ठान इस मंत्र का अनुष्ठान आप लोग सुनेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए बिना डाउनलोड किए शुरू से अंत तक देखिए। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखने के लिए कुछ जानने के लिए मिलेगा। जो तंत्र शिक्षार्थी तंत्र सीखना चाहते हैं मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज का ये कॉन्टेंट है। आप लोग देखिए आशा करता हूँ जरूर आज का अनुष्ठान आप लोगों को पसंद आएगा। कंटेंट अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय अद्भुत मंत्र प्रयोग जिस मंत्र के प्रभाव से किसी भी देवी देवता को अपने पास बुला सकते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए आप लोगों को एक विशेष शुभ तिथि निर्वाचन करना है। विशेष शुभ तिथि कैसा है? अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी चतुर्दशी संक्रांति या साल में और कई भी शुभ तिथि चलता है आता है जाता है उस शुभ तिथि निर्वाचन करके अनुष्ठान करने के लिए बैठे। अनुष्ठान का मूल विषय पहले मंत्र का बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये मंत्र जो है क्रोध भैरव अष्ट भैरव का नाम आप लोग जानते होंगे तो ये है क्रोध भैरव का मंत्र। मतांतर में उन्मत्त भैरव का मंत्र मतांतर है इसमें मतांतर में उन्मत्त भैरव का मंत्र। इस उन्मत्त भैरव सारे यक्ष यक्षिणी पिशाचिनी गंधर्व किन्नर और देवता को कंट्रोल करके रखते हैं। उन्मत्त भैरव महादेव का ही एक रूप है या क्रोध भैरव नाम से ही पता लग रहा है क्रोध यानी कि गुस्सा क्रोध भैरव उन्मत्त भैरव। तो नाम से ही आप लोगों का मंत्र का पावर या मंत्र का शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। इस मंत्र का अनुष्ठान या मंत्र का अप्लाई कब किया जाता है? जब यक्षिणी का साधना आप लोग करेंगे या पिशाचिनी का साधना करेंगे या यक्ष का साधना करेंगे तो उस सब साधना में मुद्रा का विशेष प्रचलन है। तुलोक आकर्षणीय मुद्रा आकर्षणीय मुद्रा इत्यादि कई प्रकार का मुद्रा का आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो मुद्रा के साथ साथ विशेष मंत्र का भी अनुष्ठान है यक्षिणी को आकर्षण करने के लिए। मुद्रा के मंत्र के साथ साथ मुद्रा का भी प्रचलन है दिखाना पड़ेगा नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा अनुष्ठान। तो उसके साथ साथ मंत्र का भी अनुष्ठान किया जाता है और एक साइड में एक सीधा मंत्र का प्रयोग तंत्र शास्त्र में बोला कि यह सावर नहीं है यह तांत्रिक प्रयोग है और एक विशेष तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से बोला गया है। सीधा अगर कोई व्यक्ति मंत्र अनुष्ठान करता है कई लोग आकर बोलते हैं गुरु जी मैं तो बहुत दिन से पिशाचिनी के साधना कर रहा हूँ यक्षिणी का साधना कर रहा हूँ मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है या कोई जगह से मुझे मंत्र मिला है या कोई अनुष्ठान से मुझे मंत्र कोई क्या क्या अनुष्ठान चलता है कोई सभा चलता है सभा से मुझे मंत्र मिला है यक्षिणी का यंत्र मिला इत्यादि कई प्रकार का चीज़ मिलता है लोगों को यक्षिणी ताबीज मिलता है और यक्षिणी का फोटो देते हैं ऐसे सभा सभा होकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पे ठीक है पैसा देकर इन सब चीज़ को खरीदना पड़ता है। तो मैं पहली बार सुना यक्षिणी का कवच होता है या ताबीज होता है यक्षिणी का यंत्र तो ठीक है यक्षिणी का ताबीज होता है यक्षिणी का फोटो इत्यादि माला और यक्षिणी का स्क्रिप्ट ये सब कुछ सेल होता है ठीक है छोड़िए। तो ये सब में मुझे मिला लेकिन अनुष्ठान करने के बाद कुछ सफलता नहीं मिला तो सब चीज़ के आगे और पीछे कुछ बात है। इसीलिए तंत्र शिक्षार्थी को मैं बोलता हूँ तंत्र टोटका उपाय और तांत्रिक प्रयोग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टोटका उपाय सामूहिक एक छोटा सा मनोकामना पूर्ण हेतु आप लोग कर रहे हैं आपका परीक्षा है परीक्षा में अच्छा रिजल्ट है ईश्वर से प्रार्थना करके एक टोटका अप्लाई किए ये एक छोटा सा अनुष्ठान इसका मतलब ये नहीं वो टोटका को रोज़ अप्लाई करते हैं आप लोग विशेष मनोकामना पूर्ण हेतु टोटका लेकिन साधना एक अलग विषय। जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो साधक उस मंत्र को छोड़ते नहीं उस मंत्र को खींचते हुए जाते हैं आजीवन यानी कि जब तक साधक
नहीं स्पिति में भी है तब तक उस मंत्र को साधक खींचते हुए जाएंगे, इसको साधना बोलते हैं। ये कोलिकाल है। सत्य युग में अगर 1000 मंत्र जाप से सिद्धि होता कोलिकाल में, वो 4000 मंत्र जाप से सिद्ध होगा। लोग आकर बोलते हैं गुरु मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होता, मंत्र सिद्धि इतना आसान है। मैं पहले भी आप लोगों को बोला मंत्र सिद्धि करने के लिए रामायण महाभारत इत्यादि जो पुराण है ये सबको देखिए, देखने के बाद पता लग जाएगा उस समय के लोग कितना मेहनत करते थे मंत्र सिद्ध करने के लिए। रावण को देखिए कितना मेहनत किया मंत्र सिद्धि करने के लिए, कोलिकाल में है। रावण अगर 1000 जाप किया आप लोगों को 4000 जाप कर, रावण अगर 1,00,000 जाप किया तो अभी वर्तमान समय 4,00,000 जाप करना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी नहीं है। तो ये जो आज का ये प्रयोग है, आज का प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है, बहुत सीधा बहुत सटीक प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग बहुत मुश्किल है। मंत्र बहुत जटिल है, मुश्किल है मंत्र अनुष्ठान करना। मंत्र का दो एक शब्द में आप लोगों को बता दूंगा, पूरा मंत्र उच्चारण करके नहीं बता पाऊंगा। मंत्र में जो जटिल शब्द है वो मैं बता दूंगा। इस मंत्र का अनुष्ठान करने ही तो आप लोगों को मात्र 10,000 जाप करना है। मंत्र में जहां पे अमुक शब्द लिखा है उस अमुक शब्द में आप लोगों को जिस भी देवी देवता को आप बुलाना चाहते हैं अपने पास उसका नाम बिठाना है। मान लीजिए आप सुर सुंदरी यक्षिणी को बुलाना चाहते हैं, बिठा दीजिए अमुक के जगह पर सुर सुंदरी नाम होगा। आप पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी को बुलाना चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी का अमुक की जगह पर कर्ण पिशाचिनी का नाम होगा। आप कुबेर को बुलाना चाहते हैं यक्षाधिपति कुबेर, उस पर कुबेर का नाम बिठाएं। आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता को बुलाना चाहते हैं उस जगह पर ब्रह्मा का, मान लीजिए ब्रह्मा को बुलाना चाहते हैं तो ब्रह्मा का नाम लगा कर जाप करें। जिस देवता का नाम लगा कर जाप करेंगे वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही नियम है। शास्त्र में जो बोला मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ना कुछ बढ़ा कर ना कुछ चढ़ा कर, जो है सीधा स्ट्रेट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। मंत्र में यही बोला है, तंत्र में यही बोला है। और ये क्रोध राज के आजू बाजू, मैं पहले भी आप लोगों को बोला था दसों दिशा से सिद्धि क्रोध राज के इर्द गिर्द रहता है। बाकी किसके दसों दिशा में सिद्धि रहता है मुझे पता नहीं, लेकिन क्रोध राज या क्रोध भैरव के इर्द गिर्द सभी सिद्धियां मौजूद रहता है। तो हम लोग अगर क्रोध राज का ही मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उसमें अगर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो सारे सिद्धियां गंधर्व राक्षस पिशाच देव दानव यक्ष किन्नर इत्यादि सभी अपने मुट्ठी के अंदर या कौड़ोतोल गोतो, बंगला में कौड़ोतोल कौड़ोतोल गोतो हो जाएगा। तो इसीलिए क्रोध राज का ये मंत्र का प्रयोग आज आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्रोधराज का मंत्र को देखिए, मंत्र अनुष्ठान करने से पहले मंत्र को अच्छी तरह से पाठ करके रेडी कर लीजिए, मुंह में ना फंसे। कोई भी अनुष्ठान करने से पहले मैं इतना बड़ा जो वीडियो बनाता हूँ समझाता हूँ आप लोगों को, वीडियो का 15 मिनट का वीडियो है, ड्यूरेशन टाइम है 5 मिनट 10 मिनट क्या किया मुझे पता नहीं है। 10 मिनट आप लोगों के लिए क्या मैं फालतू का डायलॉग बाजी किया, तो 10 मिनट मैं समय क्यों बर्बाद किया। अगर 5 मिनट ही वीडियो बनाने से आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होता या आप लोगों का समझ में आ जाता तो फालतू 10 मिनट में क्या किया। इसीलिए मैं अभी कोशिश तो करता हूँ जितना काट छाट करके वीडियो को बनाया जाए, लेकिन बाद में लोग अगर बोलते गुरु जी मुझे समझ में नहीं है आप इतना वीडियो को शॉर्ट क्यों बना दिए, डिटेल्स में बताइए किस जगह में जाऊँ, लंबा वीडियो बनाऊंगा वीडियो नहीं देखेगा कोई, बड़ा वीडियो छोटा वीडियो करूंगा तो लोगों को जो जो जेन्युइन शिक्षा आती है वो लोगों को मिस हो जाता है, इसलिए मैं दुविधा में पड़ जाता हूँ। कोशिश करता हूँ जितना शॉर्ट में किया जाए उतना कोशिश में मेरा हर वीडियो में रहता है, आज भी है। तो इस अनुष्ठान शुरू में बता दिया कैसे करना है। आप लोग जो भी वस्त्र पहनना चाहते हैं, लाल पहने काला पहने हरा पहने नीला पहने, जो भी वस्त्र में कोई रखा नहीं है तो वस्त्र पहनकर आप लोगों को पूर्वदशा की ओर मुँह करके आप लोग की अनुष्ठान में बैठे। अनुष्ठान को बैठने के लिए कोई टाइम नहीं है, तांत्रिक अनुष्ठान हर समय रात में ही किया जाता है, तो रात में अनुष्ठान करने के लिए बैठे जब भी आप लोगों को समय मिले, एक निर्धारित समय में अनुष्ठान करने के लिए बैठे। इस मंत्र का आप लोगों को पहले ही बताया 10,000 बार मंत्र का जाप आप लोगों को करना है। मानसिक संकल्प ले भोलेनाथ के मंदिर में भैरव जी के मंदिर में पूजा अर्चना दे के आए, उसके बाद अनुष्ठान शुरू कर दीजिए। अनुष्ठान शुरू करने से पहले पूर्व दिन पूजा दे के आ सकते हैं या उसी दिन पूजा दे के आ सकते हैं। कुल मिलाकर 10,000 जाप आप लोगों को करना है। एक दिन में 10,000 कर सकते हैं, 3 दिन में 10,000 कर सकते हैं, 10 दिन में 10,000 कर सकते हैं, इससे ऊपर मत जाइए। 1, 3, 10 ये हिसाब से आप लोगों को अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान के समय पहले बताया अमुक के जगह पर नाम बिठाना है, अनुष्ठान कर लिए। अभी अनुष्ठान का एक विशेष जो नियम है उस नियम को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नियम क्या है, जब आप लोग किसी
देवी देवता को बुलाना चाहते हैं। जब बुलाएंगे तब एक स्केच बनाना पड़ेगा आप लोगों को, सफ़ेद कागज में बनाइए या भोजपत्र में स्केच बनाइए। किसी पुरुष देवता को बुलाना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं पुरुष देवता का स्केच कैसा होगा, पुरुष के आकृति में उस देवता को अंकन कीजिए। महिला का देवता को बुलाना चाहते हैं, यक्षिणी को बुलाना चाहते हैं कि सुरसुंदरी यक्षिणी को बुलाना चाहते हैं, उर्वशी को बुलाना चाहते हैं, मेनका को बुलाना चाहते हैं, रंभा को बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस जैसा आप लोगों को आकृति स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच बनाकर अपने बाएं पैर के नीचे स्केच को दबाकर मंत्र को जाप करना है। माला ले, रुद्राक्ष, स्फोटिक, ये दो माला बेस्ट है। नहीं है तो उंगली से मंत्र जाप करने की कोशिश कीजिए। पाठ डे जाप संख्या आप अपने हिसाब से निर्धारण करके जाप कीजिए। ये है संपूर्ण प्रोसेस। अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद, कोई हवन इसमें उल्लेख तो है नहीं इसलिए हवन करने का जरूरत नहीं है। अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद अपने हिसाब से कम तीन ब्राह्मण को या तीन पंडित को या तीन साधु संत को भोजन करवा के दान दक्षिणा जरूर दे। कोई भी टोटका टोना टोटका कुछ भी करे, करने के बाद ब्राह्मण को या पंडित को जरूर खिलाए। जब तक खिलाएंगे नहीं, दान नहीं करेंगे, प्रोग्राम या अनुष्ठान असफल माना जाएगा या इनकम्प्लीट माना जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया जो बोल रहा हूँ। सनातन हिंदू धर्म में है, कोई मेरे शब्द के ऊपर एक पेन भी नहीं लगा पाएगा। जो बोल रहा हूँ देख लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, कोई बताएगा नहीं। टोटका तो हजारों मिलेगा, टोटका के बाद ये नहीं बताएगा। टोटका के बाद कर्म करने के बाद कुछ दान करो, कुछ दक्षिणा दो, किसी को खिलाओ। पक्षी को खिलाने के लिए बोलेगा, लेकिन इंसान को खिलाओ। पक्षी को तो कोई भी एक मुट्ठी चावल लेकर पक्षी को खिलाओ तो कोई बात नहीं, किसी इंसान को खिलाओ, पंडित को खिलाओ, और उनको दान दक्षिणा दो और बोलो जी इस मनोकामना हेतु आज आपको मैं ये खिलाया। पक्षी तो बात समझेगा नहीं, समझेगा नहीं समझेगा। इसीलिए संपूर्ण अनुष्ठान पद्धति में बता दिया। क्रोध राज के इर्द गिर्द में पहले ही बताया, अगर क्रोध राज के इस मंत्र के ऊपर आप लोगों का कंट्रोल आ जाता है, मंत्र को एक बार अगर जागृत करके सिद्ध कर लिए तो सारे सिद्धियां आपके कोड़ोतोल को तो हो जाएगा। इधर उधर सिद्धि के लिए ये मंत्र वो मंत्र ये मंत्र करने का जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से सुस्पष्ट मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। मंत्रों तंत्रों यंत्र सब कुछ वीडियो के अंदर रहेगा। शुरू से अंत तक यो व्यक्ति वीडियो को एक बार देखेगा, आशा करता हूँ उस व्यक्ति को मंत्र जरूर मिलेगा। ना कमेंट करना पड़ेगा, ना मैसेज करना पड़ेगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस टाइप का वीडियो आप लोगों को देखना है या पसंद करते हैं आप लोग तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो तंत्र साधना से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। मेरा दूसरा जो चैनल है टचेस ऑफ नेचर, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पे भी है, उस चैनल पे भी मैं आप लोगों के लिए तांत्रिक प्रयोग वशीकरण को छोड़कर दूसरा तांत्रिक प्रयोग पद्धति मैं हर हफ्ते लेके आता हूँ। जाइए चैनल को देखिए। मंत्र उच्चारण करके मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखिए मंत्र में सबसे पहले है जल जल वज्रेण मारोयो मारोयो। आशा करता हूँ इसके आगे आप लोगों को कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो शब्द मैं बोला उसके बाद अमुक शब्द का उल्लेख होगा और मंत्र का पाठ होगा। जाप करने का विधि विधान संपूर्ण अनुष्ठान में बता दिया। मेरे हिसाब से कोई पॉइंट तो मैं छोड़ा नहीं, बाकी अगर कोई पॉइंट मैं छूटता है मेरे से तो जरूर कमेंट करके बताइए। देवादिदेव महादेव के सामने मंदिर में भी बैठकर यह अनुष्ठान आप कर सकते हैं। घर के शिवलिंग के सामने आप लोग बैठकर अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर भी बैठकर अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो घर में करना है या बाहर में नहीं कर सकते, जहाँ आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मंदिर में करते हैं तो अनुष्ठान टोटल मंदिर में ही होगा, घर में करते हैं तो घर में ही होगा। कभी मंदिर में कभी घर में ये नहीं चलेगा। जहाँ पे अनुष्ठान शुरू होगा वहीं पे अनुष्ठान समाप्त होगा। आज का कॉन्टेंट कहीं पर विराम देता हूँ, लंबा वीडियो हो रहा है। बुधवार को मैं एक प्रयोग पद्धति लेके आ रहा हूँ, महालक्ष्मी का प्रयोग अचानक धन प्राप्ति के लिए। रात को सोने से पहले बस ये नाम तीन बार अगर आप लोग लेते हैं तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा अचानक धन प्राप्ति के लिए अद्भुत अचूक प्रयोग में लेके आ रहा हूँ। देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए। हरिओम तत्सत।